स्वागत है आप सभी का आज के ताजा मौसम समाचार में। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश समेत किन किन राज्यों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप किस जिले किस राज्य के मौसम की जानकारी चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मौसम में बदलाव के संकेत, छाएंगे बादल, बूंदाबांदी के संकेत, बढ़ेगा तापमान, जल्द एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, जानिए IMD का पूर्वानुमान। वेस्ट यूपी के कुछ शहरों में बादल छाए रहेंगे, कानपुर लखनऊ समेत कुछ शहरों में तेज हवाएं चल सकती हैं। चक्रवाती तूफान मोचा का उत्तर प्रदेश पर ज्यादा असर न पड़ने के चलते आज मंगलवार से मौसम में फिर बदलाव देखने को मिलेगा। एक दो दिन बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश के आसार कम ही है। तो वहीं 11 मई के बाद प्रदेश में तापमान में तेजी से बढ़ने के संकेत हैं। तो यूपी मौसम विभाग की माने तो मंगलवार और बुधवार को धूप में तेजी से सतही हवाएं चलेंगी लेकिन पश्चिमी यूपी में आज भी हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। यूपी मौसम विभाग के मुताबिक 2 से 3 दिनों तक हल्के बादल छाए रहेंगे लेकिन 4 से 5 दिनों तक मौसम के शुष्क ही रहने और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। 10 से 12 मई के बाद प्रदेश के विभिन्न इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार जाने और लू के आसार की संभावना है। तो वहीं वेस्ट यूपी के कुछ शहरों में बादल छाए रहेंगे और कानपुर लखनऊ समेत कुछ शहरों में तेज हवाएं चल सकती हैं। जल्द एक्टिव होगा नया सिस्टम। यूपी मौसम विभाग के मुताबिक लखनऊ का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से हवाएं चलेंगी जिससे गर्मी बढ़ने के आसार हैं। तो वहीं आज से दिन भर मौसम साफ रहेगा और कल परसों और आने वाली 12 मई को भी मौसम शुष्क रहने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। 12 मई को एक नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों को प्रभावित करने की संभावना है और 13 मई को आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। जानिए जिलों के हाल। राजधानी लखनऊ में आज दोपहर के बाद हल्के बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश के आसार नहीं जताए जा रहे हैं। लखनऊ में अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। मेरठ में मौसम एकदम साफ रहेगा, पूरी धूप खिलेगी, यहाँ पर अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। नोएडा में अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 20 के आसपास रहने की संभावना बनी हुई है। प्रयागराज में आज मौसम एकदम साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 40 व न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जिसके चलते इस बार मई का महीना आ गया है लेकिन गर्मी का अता पता नहीं है। भारत के राज्यों में कोहरे बारिश के कारण मौसम ठंडा हो गया है। हर रोज मौसम अपना अलग ही रूप दिखा रहा है। भारत की राजधानी से लेकर कई हिस्सों का मौसम बिल्कुल ठंडा हो चुका है, जिसके चलते मौसम विभाग ने एक बार फिर मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में इन दिनों जोरदार बारिश हो रही है। इस बार लू की जगह बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग का अलर्ट है कि मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में आने वाला चक्रवाती तूफान मोचा कई जगह पर तबाही मचा सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।